हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट को हम दो तरह से समझेंगे, एक है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और एक है मॉडर्न मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मतलब ट्रेडिशनली पहले क्या सोच थी मैनेजमेंट को लेकर के, ट्रेडिशनली जो मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया गया था वो ये था कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, मतलब किसी और से काम को करवाना ही मैनेजमेंट कहा जाता था। सी एस जॉर्ज एक राइटर थे, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अ मैनेजर इज़ वन हु अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, मतलब किसी से काम को करवाने के जो तरीके होते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं, और मैनेजर वो होता है जो दूसरों से काम करवा ले। ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। पर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, मैनेजमेंट कवर्स वाइड रेंज ऑफ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एन एक्टिविटी, अ डिसिप्लिन एंड एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एंड डायरेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टूअर्ड अटेनिंग द चेरिस्ट गोल ऑफ द बिजनेस। मतलब कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा गया है, एक एक्टिविटी, एक डिसिप्लिन कहा गया है, मतलब एक बहुत ही प्रोसेस वे, मतलब एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से किसी काम को करवाना, जो हमारे काम को कर रहा है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, उन्हें अच्छे से डायरेक्ट करना, और ये एक टीम वर्क बताया गया है, और सबके एफर्ट्स को मिला करके जो गोल ऑफ द बिज़नेस है उसे अचीव करना, इसे हम मॉडर्न वे में बिज़नेस को डिफ़ाइन कर मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। तो ऑथर्स की डेफिनेशन से भी समझेंगे मैनेजमेंट को। जैसे कि यहाँ पे पहले ऑथर है सिस्क, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट को यहाँ पर कहा गया है कि मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मैन पावर, रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज को एक प्रोसेस में लाना, उन्हें प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें कंट्रोल करना इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड स्टेटेड गोल्स। मतलब जो गोल है हमारा उसको अचीव करने के लिए इन सारे प्रोसेस से होकर के जो काम हम करवाते हैं दूसरों से, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेटिनर, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू एफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को यहाँ पर क्या कहा गया है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, दूसरों के साथ और दूसरों के सपोर्ट से जो एफेक्टिवली अचीव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग, मतलब एक मोस्ट पॉसिबल बेस्ट यूज़, मतलब जो रिसोर्सेज का हो सकता है उसका यूज़ करते हुए बिजनेस के गोल को अचीव करना। ये कुछ डेफिनेशंस थी ऑथर्स की। जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को लिखेंगे तो आपको कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन ज़रूर ज़रूर से कोट करनी होती है, तो आप कुछ कोई भी डेफिनेशंस ले सकते हैं आपकी बुक में जो अवेलेबल हो, आप कोई भी डेफिनेशन कोट कर सकते हैं, 1 or 2 डेफिनेशन ज़रूर कोट करनी चाहिए। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।